वेलकम टू ऑल इंडिया जीके में आपका स्वागत है दोस्तों दोस्तों मैं नरेश आपके सामने जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है उसी में आपके सामने ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे से आप जुड़ करके जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं मैं आपके सामने जी के के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता हूं जो कि आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट दिया है भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो कि आपके सामने आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा इस वर्ष में पारित हुआ था यानी कि 1980 में दल विरोधी विधेयक पारित किया गया था क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा बी यानी कि क्लोरीन ये वायुमंडली का भाग नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है एस बी आई का पूरा रूप क्या है

आपके सामने ऑप्शन है इनमें से राइट ऑप्शन है यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है यानी कि तमिलनाडु में इस पर्व को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है जैन मंदिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कहां पर है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट ऑप्शन है सी यानी कि कौशाम्बी ये आपका राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पश्चात दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे कौन थे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा सी यानी कि राजा राममोहन राय जो थे वो दर्शन की अपेक्षा पश्चाताप दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो दोस्तों इसका राइट right ऑप्शन कौन सा होगा यानी कि ए आपका राइट right ऑप्शन है पहला स्थान है चाहे उत्पादन में भारत का विश्व में नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट right ऑप्शन कौन सा है यानी कि सी आपका राइट right ऑप्शन है पांचवा स्थान है नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीति कर सकता है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है यानी कि सदस्यों को मनु कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर उसेन ने यह स्थापना की थी या आपका राइट right ऑप्शन है बी नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर आयोग कब नियुक्त किया था आपके सामने दिए हुए हैं इनमें से राइट ऑप्शन ऑप्शन है 1917 में यह आयोग नियुक्त किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है नमोदे विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए इनमें से राइट right ऑप्शन कौन सा होगा ए दिया है सन उन्नीस में देश के प्रत्येक गांव में एक मॉडल स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था बी दिया है नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थापन है जिसमें प्रत्येक वर्ष तीस हजार नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है सी दिया है नवम कक्षा के लगभग तीस परसेंट छात्रों को एक शिक्षा शस्त्र व्यतीत करने के लिए बहुभाषी क्षेत्रों में भेजा जाता है डी दिया है उपरुक्तों में से कोई नहीं तो इनमें से बताइए कौन सा राइट होगा यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा बी यानी कि नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थापन है जिसमें प्रत्येक वर्ष तीन हजार नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी आपके सामने ऑप्शन हुए हैं इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा बी यानी कि लैंड ने यह खोज की थी नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा सी यानी कि वेन सांग ये आपका राइट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कौन सी थी आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं ए है एल्मोनियम बी कॉपर सी आयरन डी सिल्वर इनमें से राइट right ऑप्शन कौन सा होगा यानी कि बी आपका राइट right ऑप्शन है मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कॉपर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सतवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए इनमें से राइट right ऑप्शन कौन सा है यानी कि ए आपका राइट right ऑप्शन है लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए इनमें से राइट ऑप्शन है ए यानी कि पच्छाव मेघ जो है वो सबसे ऊंचा मेघ माना जाता है पच्छाव नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था तो क्या किया था आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट ऑप्शन है डी यानी कि सन्यासी विद्रोह ये उन्होंने उल्लेख किया था नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोंडा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं आपके सामने ऑप्शन दिए हुए इन में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा कि डी आपका राइट ऑप्शन है में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी और कब की गई थी आपके सामने ऑप्शन दिए हुए इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है राजस्थान अक्टूबर उन्नीस में ये आपका राइट ऑप्शन है बी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो इसका राइट right ऑप्शन कौन सा होगा यानी कि बी आपका राइट right ऑप्शन है केरल में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट right ऑप्शन कौन सा होगा यानी कि ए आपका राइट right ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा ऐसे क्वेश्चन बनकर जरूर आते हैं तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है उत्तराखंड में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मानस वन जीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट ऑप्शन है बी यानी असोम असोम जो है यानी कि असम में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है कौन सा उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है नेपानगर में आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट ऑप्शन है डी यानी कि अखबारी कागज जो है वो नेपा नगर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है ये आपका राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा किसने बनवाया था यानी कि सी आपका राइट right ऑप्शन है नूरजहां ने यह मकबरा बनवाया था आगरा में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंकोरवाट कहां अवस्थित है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट right ऑप्शन कौन सा होगा डी यानी कि कंबोडिया में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट right ऑप्शन है ए वी ल्यूवेनहॉक यह आपका राइट right ऑप्शन है ए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है ऐसे क्वेश्चन बनके आते हैं तो इसका राइट right ऑप्शन कौन सा होगा ए यानी कि विमल जालान राइट right है नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस द्वारा पैदा किए जाने वाला रोग है कौन सा रोग है जो वायरस से पैदा हुआ है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट right ऑप्शन है सी यानी कि जुखाम जो है वो वायरस से होता है ये आपका राइट right है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की किस एक नदी को राष्ट्र नदी घोषित किया था उस नदी का नाम बताइए ऐसे क्वेश्चन के आते हैं तो दोस्तों इसका राइट right ऑप्शन कौन सा होगा यानी कि सी आपका राइट right ऑप्शन है जो कि आप सभी जानते होंगे गंगा यानी कि गंगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है कैसे होता है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं दिया है उसके पैरों के आगे बी दिया है उसके पैरों के पीछे सी दिया है शरीर के मध्य में डी दिया है शरीर के ओर इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है उसके पैरों के आगे आपका राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू ध्वतहीन होता है

दोस्तों अगर आपको जीके की और भी वीडियो मेरी देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां पर मैंने लिंक दे रखा है जो कि आप और भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख सकें और अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंकों से आप पास हो सकें तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू थैंक यू सो मच